नमस्कार, मैं दुर्गेश बहादुर प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की बात। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो इन दिनों बहुत तेजी से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आप सभी को पता है कि भी हाल के दिनों में हमारे देश और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है जिसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर देश का माहौल बहुत गर्म है और देश के युवाओं में चीन की इस कायराना हरकत को लेकर बहुत रोष है, जिसके कारण पूरे देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का आंदोलन छिड़ गया है। तो ऐसे में देश के भविष्य कहे जाने वाले इन युवाओं से भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस मुद्दे पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं। जी, आपका क्या नाम है और आप इस मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? चीन को किस प्रकार सबक सिखाया जा सकता है? जी, मेरा नाम भारत है और चाइना को सबक सिखाने की बात करें तो सबसे पहले चाइना को आर्थिक रूप से हानि पहुंचानी होगी, क्योंकि आज हम देखते हैं कि चाइनीज सामानों से ही हम चारों तरफ घिरे हुए हैं, चाहे घर ले लीजिए, ऑफिस ले लीजिए, हर जगह, यहाँ तक कि चाइनीज मोबाइल भी, और मोबाइल में चाइनीज ऐप्स का भी उपयोग करते हैं। और एक बात, टिकटॉक यूज करने वालों की संख्या इंडिया में सबसे अधिक है, इसलिए इन चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना होगा, तभी हम चाइना को हरा पाएंगे। और ये हमारा देश महापुरुषों वीरों का देश है, यहाँ का बच्चा बच्चा महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की तरह बलवान और वीर है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम एक एक देश प्रवासी अगर चाइना से लड़ गए तो एक एक दोस्तों पर भारी पड़ेगा। अरे शुभम भाई, हाँ हेलो, हाय भाई, बढ़िया हूँ भाई मैं, तू कैसा है? अच्छा, क्या कर रहा है सच्ची में? टिकटॉक वीडियो मेरा वायरल हो गया? क्या बात कर रहा है, 5 मिलियंस? अरे भाई थैंक यू यार, अभी चेक करता हूँ, देखता हूँ। अरे अभी 2 दिन पहले यार बहुत कम था यार, इतनी जल्दी हिट हो गया। अरे वाह यार, टिकटॉक ने तो मुझे फेमस कर दिया भाई। हाँ भाई, अरे ऐसे रहा तो भाई देखना, एक दिन मैं बॉलीवुड और बॉलीवुड को छाऊंगा, बॉलीवुड सारी काम सरवाना था ना, सबको फेल करूंगा भाई। हाँ, अरे हाँ हाँ जरूर, आपकी बार मिलते हैं ना तो जरूर साथ में वीडियो बनाते हैं कई सारे। हाँ, ओपी बार तो छाएंगे भाई, टिकटॉक को फेमस होंगे, टिकटॉक पर यार टिकटॉक स्टार बन जाएंगे भाई, क्या बात है। हाँ भाई, हाँ हाँ यार, आए अभी देखता हूँ भाई, चेक करता हूँ यार। हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे, ठीक है? चलो ठीक है, हाँ हाँ ओके। अरे आपकी बार बनाएंगे भाई, टेंशन मत ले तू, ठीक है? हाँ ओके, चलो। तो देखा आपने, ये हमारे देश के युवा और ये हमारे देश के भविष्य, जो खुद टिकटॉक में व्यस्त हैं और दूसरों को देशभक्ति का ज्ञान बांटते हैं। अब आप ही सोचिए, ऐसे में हमारे देश का भविष्य क्या होगा? बाकी आप सब समझदार हैं, खुद ही चिंतन करें, मनन करें और विचार करें, क्या आप सच्चे देशभक्त हैं? और अंत में आशुतोष राणा की कविता की कुछ लाइनें आप सभी के बीच में रखकर आज के कार्यक्रम की समाप्ति करूंगा। कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वो बर्बर था, वो अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बदावर शीश का पर जिसको आना है आ जाओ, चीनी मिनी चाओ माओ, जिसको तुम्हें तो टकराओ, और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छोने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, इस मिट्टी को छोने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। धन्यवाद।